पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और 13 सितंबर को मतदान तथा उसी दिन मतगणना कराई जाएगी। छात्र संघ के चुनाव के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए छात्र संघ चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बताया कि सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 4 सितंबर से छात्र संघ के नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 13 सितंबर को 5 बजे तक मतदान होगा तथा उसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे ने बताया, छात्र संघ चुनाव 2018 के संबंध में अवगत कराना है कि इसकी प्रक्रिया जो है 4 सितंबर से शुरू होगी और फाइनली जो है 13 सितंबर को वोट पड़ेंगे और उसी दिन छात्र संघ के जो मतदान हुए रहेंगे उसकी काउंटिंग करके और उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष का पद है, एक उपाध्यक्ष का पद है, एक मंत्री का है और एक पुस्तकालय मंत्री का पद है। बाकी जो है छात्र संघ के विभिन्न कार्यकारिणी के पदाधिकारी वो कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाते हैं। नामांकन फीस जो है हमारे यहाँ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसने ये तय किया है कि अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और पुस्तकालय मंत्री के लिए 2000 रुपये तथा कार्यकारिणी के सदस्य के लिए 1000 रुपये। इसमें जो भी 30 अगस्त 2018 तक जो प्रवेशित छात्र हैं वो प्रवेश लिए हैं अगर तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिसमें परास्नातक के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है, जो स्नातक में हैं उनको 22 साल है और अगर शोध छात्र हैं तो उनको 30 साल है।